जी अम्मी, आज जल्दी आ गया, मैंने शॉर्ट लीव ले ली थी। अच्छा, आप लोग रजिया आंटी के घर गए थे? हाँ बेटा, मैं जब यहाँ आती हूँ तो सफीना के साथ रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना हो जाता है। ठीक है ना, रिश्तेदारों से, जानने वालों से मिलते जुलते रहना चाहिए। ये बताओ, जेबू कहाँ है? वो अपने कमरे में है। अच्छा चलो, जेबू बेटा कहाँ हो, आ जाओ। मैंने कहा था ना साथ चलो, रजिया पूछ रही थी तुम्हारा। अगली दफा साथ चली जाऊंगी। इतने अरसे बाद रजिया के घर जाना हुआ, वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला आपा। मैं तो कहता हूँ खाला कि आप मुस्तकिल तौर पर हमारे पास आ जाएं, अपना पोर्शन किराए पे चढ़ा दें, किराया भी आता रहेगा और हम सब मिलजुल कर रहेंगे। मैं इतनी मर्तबा तमीना से यही बात कह चुकी हूँ। आला, पहले की बात और थी, अब आपके लिए भी अकेला रहना मुश्किल होगा। हाँ लेकिन बेटा, तुम्हारी खाला को मुश्किलात का मुकाबला करना आ गया है। तमीना से बातों में कोई नहीं जीत सकता। जेबू, जेबू। जी खाला। खाना बना लिए? जी खाना बन गया और किचन के सारे काम हो गए। हाँ भाई, हमारी जेबू तो है ही सुगढ़ और अकलमंद। आपा ये जिस घर में भी जाएगी ना, उजाला कर देगी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मकान को घर बनाने का हुनर जानते हैं। लेकिन खाला मी, मैं तो हमेशा आपके पास रहूंगी। मेरी जान है ना पगली, तुम्हें याद है हमारी समीना भी इसी तरह की बातें किया करती है ना। वो भी पगली ही थी।